गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम योर हिंदी टीचर सत्य भामा फ्रॉम हैप्पी कैमर स्कूल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को लेसन 5 को रिविज़न करवाने जा रही हूँ। पहले मैं आप सभी को इस लेसन की कहानी को दोबारा से आप सभी को बताऊँगी और इसका जो बुक वर्क है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी PDF में। तो जिन बच्चों ने इसका जो काम नहीं किया वो इसे काम को कर लेंगे कि इसका टेस्ट होगा आपका, कल आप सभी का टेस्ट होगा, इसलिए आज मैं ये पार्ट आपके सामने दोहरा रही हूँ। देखिए, इस पार्ट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं यह है पार्ट 5, समझदार लोमड़ी। इस पार्ट में हम एक लोमड़ी के बारे में पढ़ेंगे, वो कितनी समझदार है। या देखिए, समझदार से अर्थ कोई वस्तु नहीं होती, ये इंसान की एक तरह की मनोदशा होती है। आप किस तरीके से समय पर आप बर्ताव करते हैं उसी से आप समझदार या मूर्ख साबित होते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक जंगल था, वहाँ पर एक बूढ़ा शेर रहता, ठीक है। अब तक तो वो किसी से हार नहीं मानता था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था तो अब वो क्या करता बच्चों, अब वो जंगल में ही रहता था, ठीक है। बूढ़ा हो गया था, बुढ़ापे की अवस्था में था। तो याद रखिए, बुढ़ापा भी क्या होता है बच्चों, एक अवस्था होती है शरीर की जिसमें शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, आप ज़रा चल फिर नहीं सकते हैं, है ना, बीमारियाँ आपको घेर लेती हैं, तो वो बुढ़ापे की अवस्था होती है, बुढ़ापे में ऐसा होता है शरीर। तो क्या हुआ कि उसके दोनों पैरों के पीछे जो दोनों पैर थे उनमें लकवा मार गया था, अब इसलिए वो ढंग से चल भी नहीं पाता था। अब जानवर जो होते वो उसके आसपास निकल जाते थे और वो बेचारा उन्हें पकड़कर खा भी नहीं सकता था, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस तरीके से 3 दिन बीत चुके थे और ये शेर जो था बेचारा भूखा था। अब वो खिसक के गुफा से, अपनी जो गुफा थी वो यहाँ से बाहर आ गया, ये सोच कर कि चलो भाई कोई शिकार मिल जाए। इस सोच में उसने गुफा से बाहर निकला, वो भी खिसक खिसक करके, क्योंकि उसके पिछले पैरों में क्या हो गया था, लकवा मार गया था। तो क्या हुआ कि उसने देखा कि उसकी गुफा के बाहर एक खरगोश है, ठीक है। तो उसने खरगोश से क्या कहा, अरे भैया यहाँ तो आना। अब आपको पता है खरगोश डर जाएगा शेर से, क्यों, क्योंकि खरगोश को पता है कि शेर तो उसे खा जाएगा। लेकिन जैसे ही वो खरगोश पीछे मतलब हटने लगा तो उसने, शेर ने क्या कहा, अरे भैया खरगोश भैया डरो मत, तुम तो मेरे छोटे भाई के जैसे हो, तो मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा, तुम मेरे पास यहाँ आओ। यानी वो उसे अपने पास बुलाता है, किस लालच में, कि ताकि मतलब वो उसे खाना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसके ज़रिए अपना एक काम बनाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था वो 3 दिन से भूखा है खरगोश। अब वो जानता था कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, तो छोटे से खरगोश से उसका क्या गुजारा होना था। तो हुआ क्या बच्चों कि खरगोश ने कहा भाई, खरगोश बोला कि भाई शेर तुम्हें जो कुछ कह रहा है तो मुझे यहीं से कह दो, मैं तुम्हें यहीं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूँगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। खरगोश ने साफ कह दिया, भाई मैं बस क्यों, क्योंकि खरगोश का मानना ये था कि तुम मांस खाने वाले, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हारे पास गया तो तुम तो मुझे भी खा जाओगे, है ना। तो शेर की आवाज़ में बिल्कुल भी जोश नहीं था। शेर ने करुणा का मतलब होता है विनम्रता से ममता भरी, उसने क्या कहा, करुणा थी उसने, उसकी आंखों में ज़रा सा भी लालच नहीं था, ठीक है। लालच का मतलब था कि उसके मन में ज़रा सा भी वो नहीं था कि उसे कुछ चीज़ चाहिए थी। इस तरीके से शेर ने खरगोश से बोला कि भैया देखो, पांचों उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती हैं। खरगोश, भैया मैं ऐसा नहीं हूँ जो अपने भाई को खाऊंगा। यानी शेर ने खरगोश को अपना छोटा भाई बताया। तो मैं तो तुमसे सिर्फ एक काम करवाना चाहता हूँ। खरगोश ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है चलो वहीं से बोलो तुम्हें तुम्हें क्या काम है, ठीक है, पर लेकिन ये मेरे पास मत आना। तो शेर ने वहीं से कहा, खरगोश भैया, क्या कहा उसने कि खरगोश भैया देखिए, मैं मरने वाला हूँ, हाँ, तो मेरा दम निकलने से पहले, कि भाई कुछ समय बचा हो मेरा दम निकलने से पहले, मैं चाहता हूँ कि मेरी छोटी सी इच्छा पूरी हो जाए। और वो क्या थी, वो ये चाहता था, उसकी अंतिम इच्छा क्या थी बच्चों, उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे क्या था, उस पहाड़ी के पीछे एक लोमड़ी रहती थी और वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ पर रहती थी, ठीक है। और जब बरसात यानी कि जब बारिश का मौसम आता था तो क्या होता था कि वो पहाड़ी मतलब वहाँ पर है ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो खरगोश ने कहा कि मेरी इच्छा यह है कि मेरे मरने के बाद कुछ लोमड़ी है वो अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर रहे।
और इतना कहते कि सांस शेर जो है लुढ़क गया, मतलब वो गिर गया, उसने मतलब ऐसा दिखा जैसे वो मर गया। खरगोश ने देखा कि शेर सचमुच मर गया। उसके मुंह से निकला बेचारा कितना भला था, मरते समय भी नेक काम करना चाहता था, किसी को कुछ भला करना चाहता था मरते समय भी। तो खरगोश ने निश्चय किया, खरगोश ने क्या फैसला लिया कि भी चलो मैं उस शेर की अंतिम इच्छा को पूरा करूँगा। तो वो उसने क्या करा, वो पहाड़ी पर गया, ठीक है, पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर जो लोमड़ी थी वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। अब लोमड़ी ने जैसे खरगोश को देखा तो वो उसे खाने के लिए दौड़ी, पर लेकिन खरगोश ने कहा अरे तुम मुझे खाने के लिए दौड़, मतलब तुम मुझे खाना चाहती हो, मैं तो तुम्हारा भला करना चाहता हूँ। लोमड़ी ने पूछा मेरा भला वो कैसे, या मतलब तुम मेरा लाभ कैसे कर सकते हो या मेरा भला कैसे कर सकते हो। तो फिर खरगोश ने बताया कि ऐसे उधर गुफा में एक शेर रहता है और वो शेर की अंतिम इच्छा थी, वो ये चाहता था कि उसके मरने के बाद ये गुफा जो है तुम्हें मिल जाए ताकि तुम अपने बच्चों के साथ आराम से इस गुफा के अंदर रह सको, ठीक है। अब जब लोमड़ी ने ये बात खरगोश से सुनी तो उसे बड़ा अच्छा लगा, वो सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसे भी रहने की एक अच्छी जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करा, लोमड़ी ने फटाफट से वो खरगोश के साथ उस जगह पर आई। अब दोनों के दोनों क्या हुआ कि गुफा के पास आए तो देखा तो शेर वाकई में मरा पड़ा था, ठीक है, जिस शेर मरा हुआ है। तो लोमड़ी खुशी से फूली नहीं समाई, अब उसके वो तो बहुत खुश थी, क्यों, उसे रहने के लिए गुफा मिलने वाली थी। अब उसके में पानी भराया क्योंकि अभी लोमड़ी को मरा हुआ शेर जो मिल गया था वो उसे भी खाती। अब वह शेर की ओर बढ़ी, उसके बच्चे भी क्या हुए, उसके बच्चे जो थे वो भी उसके पीछे पीछे आए, पर लेकिन तभी लोमड़ी वहीं अचानक रुक गई। उसे तभी कुछ याद आया, उसने कहा कि ज़्यादा खुशी में क्या होता है, जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो हम अपना विवेक खो देते हैं, यानी कि हमें हमारी समझ होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, मतलब हम चीज़ों को समझने में कुछ हद तक कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कहीं इस शेर की कोई चालाकी हो, कि खरगोश का तो मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि खरगोश तो खुद शेर से डरता है। अब यही सोचकर उसने क्या कहा, उसने वो ज़ोर से बोली। लोमड़ी ने एक उपाय सोचा और उसने खरगोश से कहा, खरगोश भैया शेर महाराज को मरे हुए कितना समय हो गया होगा। तो खरगोश ने कहा भाई लोमड़ी बहन इन्हें मरे हुए कोई 2 घंटे तो हो गए होंगे। लोमड़ी तुरंत बोली फिर तो शेर महाराज को यही रहने दो, मैं तो चलती हूँ। खरगोश ने कहा क्यों, क्या हुआ बहन, भाई अब तो ये गुफा तुम्हारी है, तुम यही रहो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो इस गुफा में रहो। तो लोमड़ी ने क्या कहा, शेर महाराज जब मरेंगे मैं तभी तो गुफा में रहूँगी। खरगोश को बड़ा आश्चर्य, खरगोश हैरान, अरे शेर तो मरा हुआ है। तो लोमड़ी ने समझाया, तुम भोले हो खरगोश भैया, तुम्हें नहीं पता इतना बलशाली जानवर जब मर जाता है तो 3 घंटे तक उसकी पूँछ हिलती रहती है। अब जैसे ही लोमड़ी ने ये कहा तो खरगोश तो क्या हुआ, शेर तो जिंदा था। अब शेर ने क्या करा, शेर ने तुरंत अपनी पूँछ हिला दी। तो जैसे ही लोमड़ी ने शेर की हिलती हुई पूँछ देखी वह चिल्लाई भागो और अपने बच्चों के साथ वो पहाड़ी पर भाग गई और खरगोश भी कहीं दिखाई नहीं दिया। देखिए क्योंकि अब शेर तो मरा नहीं था तो शेर को क्या पता कि मरने के बाद शेर के साथ क्या होता है, उसने तो सिर्फ वही सुना ना, क्योंकि लोमड़ी चालाक थी, लोमड़ी ने बात समझ ली, लोमड़ी को लगा कि अगर शेर मरा हुआ है तो उसकी पूंछ नहीं हिलेगी। तो आप सभी को पता है कि जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती तो वो हिल नहीं सकती, अगर कोई भी जानवर या मनुष्य कोई मर जाता तो वो हिलते थोड़ना है, वो तो फिर पत्थर की तरह हो जाते हैं, जहाँ है वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें प्राण थोड़ना है। लेकिन शेर तो जिंदा था। आप लोमड़ी की बात सुनते ही उसने अपनी मूर्खता साबित कर दी, उसने अपनी पूंछ हिला दी। तो देखा यानी कि समय के अनुसार, अब देखिए शेर ने तो क्या करा, शेर ने ये साबित करा कि वो मूर्ख है। मैंने क्या कहा था, समझदारी या मूर्खता ये हमेशा समय पर निर्भर करती है, आपकी उस समय की क्षमता होती है, आपकी या आपकी बौद्धिक क्षमता होती है कि उस समय आप परिस्थिति को देखते हुए आप किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से आप बिहेव करते हैं बच्चों, वही आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है कि आप मूर्ख हैं या आप समझदार हैं। तो बच्चों ये आपका पाठ था समझदार लोमड़ी, जो मैंने आपको समझाया है। और इस पाठ से जो आपको शिक्षा मिलती है वो यही है, शिक्षा सिर्फ छोटी सी है
कि आपको परिस्थितियों के अनुसार समझदारी दिखानी चाहिए, आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आपको अपनी बुद्धि का, आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉब्लम से निकलने का, या फिर जो उसमें प्रॉब्लम है उसमें सर्वाइव करें, यानी उससे जूझने के। ठीक है, तो क्लास आज के लिए इतना ही। इस लेसन का मैं आपको बुक वर्क सेंड कर दूंगी प्रॉपर PDF में, तो जिनका ये काम कंप्लीट ना हो वो काम भी कंप्लीट कर लें और साथ ही साथ कल के टेस्ट के लिए लर्न भी कर लें। थैंक यू।